अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं सादिया मुकद्दस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ अपने विलेज में, अपने गांव में आ चुकी हूँ छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत मज़े की और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊँगी। तो आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, आज बन रहा है मटन पुलाव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मटन यहाँ पर मैंने बॉयल करने के लिए रख लिया था, ये बॉयल हो चुका है। अब इसको मैं नीचे उतार लूंगी और यहाँ पे मैं रख दूंगी पुलाव के लिए पतीला। ठीक है, गांव में आए हैं तो जाहिर सी बात है अब हम ऑयल में या घी में ही डेफिनेटली पुलाव बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे घी हमारा गर्म हो रहा है, ये देखें यहाँ पे मैं हरी मिर्चों को और लहसुन अदरक को पीस लेती हूँ। ठीक है, इनको भी मैं इस पर पीस लूँगी और अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। घी हमारा गरम हो चुका है, यहाँ पे साबुत गरम मसाले में मैंने ली है दालचीनी, काली मिर्चें, जीरा और दो बड़ी इलायची, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, देसी तरीके से पुलाव लकड़ी के चूल्हे पे बनाने का अपना ही एक टेस्ट और अपना ही एक मज़ा है। आप लोगों के लिए मैं इतनी दूर आई हूँ कि आप लोगों को विलेज की भी रेसिपी बना के आप लोगों के लिए पेश करूँ। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा यहाँ पे हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, इसमें मैं पानी डाल दूँगी। फ्लेम को हम इसी को स्लो तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि फ्लेम जो है देखिए तो हाई फ्लेम हुआ होगा इसको। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, बहुत ही मज़े की यहाँ पे व्यू हुआ हुआ है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मसाला हमारा यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो लहसुन अदरक है ये भी फाइनली जो है पिस चुका है। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। साथ ही हम इसमें मटन का रोस्ट ऐड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक से दो आलू लिए हैं, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी, इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 2 चम्मच भर के नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और साथ हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लहसुन अदरक पीसते हुए 5 से 6 जो हैं वो इसमें हरी मिर्चें भी हमने ऐड की हैं। और इसमें हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है, अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रखें। जैसे इसमें बॉईल आएगा उसके बाद हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। बॉईल हमारा आ चुका है, ये देखें अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल में से पानी निकालेंगे, अब हम चावल में इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए, अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसका नमक चेक कर लेंगे कि नमक इसमें बराबर है। अब हम इसको कवर कर देंगे जब इसका पानी ड्राई होता है, उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखिए अब इसका पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसको दम पे लगा देंगे और नीचे हम रख देंगे तवा। आओ हमारे गाँव ठंडी ठंडी Thank you.
15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो अब हम अपने पुलाव को देखते हैं। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त ही पुलाव लगा। मैं इसको मिक्स करती हूँ और डिश आउट करती हूँ। पुलाव यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी लग रहा है। अगर आपको मेरी ये मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए यहाँ पे विलेज में और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊंगी और मैं आपको यहाँ का व्यू भी किसी दिन आपको दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का यहाँ का व्यू है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।